मेरे सभी सुनने वाले स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं GST इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स हैं जो रेलवेज के थ्रू या बसेस के थ्रू, मेट्रो के थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू जब ट्रैवल करते हैं, तो उनके जो ट्रैवल कॉस्ट है, जो टिकट का पैसा है, क्या उसके ऊपर GST लगेगा या नहीं लगेगा, कौन से केस में लगेगा, कौन से केस में नहीं लगेगा, कितना लगेगा, इन सब का डिटेल डिस्कशन मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आज 9 तारीख है, परसों 11 तारीख होगी। 11 तारीख को, 11th ऑफ जुलाई को हम लोग अन अकेडमी पर लेके आ रहे हैं CA फाउंडेशन का कॉम्बैट। ये जो CA फाउंडेशन का कॉम्बैट है, इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन स्कॉलरशिप्स आर नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, रादर स्कॉलरशिप्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट जब आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अन अकेडमी पे 11 तारीख को, दैट इज संडे को, सुबह 12 बजे, या मैं ऐसे बोल दूं दोपहर 12 बजे कॉम्बैट की सीरीज है। इस कॉम्बैट की सीरीज की सारी डिटेल्स आप इन्हें राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जा रही हैं 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की, और मैंने आपको बताया 1 करोड़ की वैल्यू आपको किस प्रकार से दी जाएगी। देर आर हैवी डिस्काउंट्स विच आर ऑफर्ड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। डिस्काउंट्स आर अप टू 100%। जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे अक्रॉस इंडिया, उनको अप टू 100% का स्कॉलरशिप, दैट इज उनको डिस्काउंट्स दिए जाएंगे इन केस दे विश टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा ये जो कॉम्बैट की सीरीज है, इसके अंदर इंग्लिश में आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है वो प्राइमरली आपका 12th बेस्ड एंड CA फाउंडेशन बेस्ड सिलेबस है, जिसमें से आपसे टेस्ट पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है विद इन द पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, दैट इज 1 घंटे का टेस्ट है, और आप इस टेस्ट को लाइव अपने एंड्रॉयड फोन के ऊपर कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एवरी संडे एट 12 o'clock। 2 संडे इंटरमीडिएट का टेस्ट होता है, 2 संडे को फाउंडेशन का टेस्ट होता है। आप इस सब टेस्ट में इनरोल कीजिए, जिसके लिए आप मेरा कोड CA जोहर लगाना बिल्कुल भी भूलिएगा। ये फ्री टेस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक इनविटेशन कोड यूज करना होगा, जिसका नाम है CA जोहर। ये एक मेरी तरफ से अनाउंसमेंट था, और अब मैंने आपके साथ यहाँ पर स्टार्ट करना है GST इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकॉम्पनीड बिलोंगिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यात्री गण की बात हो रही है। अक्सर आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी होंगी, यात्री गण वर्ड सुना होगा, यहां पे यात्रियों के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ है With or without accompanied belongings, इसका मतलब हुआ कि उन यात्रियों के साथ उनका सामान है तो भी, सामान नहीं है तो भी, अगर कोई यात्री खाली हाथ जा रहा है तो भी, अपने साथ कोई सामान लेके जा रहा है तो भी, दोनों सिचुएशन में सामान है तो भी, सामान नहीं है तो भी, खाली हाथ जा रहा है तो भी, भरे हाथ जा रहा है तो भी, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, पैसेंजर्स है, इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी, ध्यान से सीखेगा। एंट्री नंबर 15, आपने एंट्री नंबर याद नहीं करने हैं, बार बार कह रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स एग्जेम्प्ट है इफ दे आर ट्रेवलिंग बाय एयर। बाय एयर का मतलब हवाई जहाज से जा रहे हैं, विच इज एम्बार्किंग और विच इज टर्मिनेटिंग। तो मेरे बच्चे, एम्बार्किंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म करना। अगर वो बाय एयर जा रहे हैं, हवाई रास्ते से जा रहे हैं, और उनकी जर्नी शुरू होती है या उनकी जर्नी खत्म होती है, या तो जर्नी शुरू होती है या उनकी जर्नी खत्म होती है, कहां पे, इन द एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड एट बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, इन वेस्ट बंगाल। अब आप कहेंगे साहब बागडोगरा क्या है, तो याद रखिएगा बागडोगरा इज नियरेस्ट एयरपोर्ट
इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट फॉर दार्जिलिंग? दार्जिलिंग एज अ हिल स्टेशन का नाम सबने सुना हुआ है। अगर आपने दार्जिलिंग जाना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने दार्जिलिंग जाना है और बाय एयर जाना है, तो जो सबसे ज्यादा नजदीकी एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा। अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो ट्रेन के केस में जो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी पे उतरिए, टैक्सी लीजिए, दार्जिलिंग चले जाइए। बागडोगरा पे उतरिए, टैक्सी लीजिए और दार्जिलिंग चले जाइए, बागडोगरा बाय एयर। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि बागडोगरा पे फ्लाइट जा रही है, बागडोगरा से फ्लाइट आ रही है, तो एयर टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। और सिर्फ दार्जिलिंग की बात नहीं हो रही, आप उसके आगे भी देखिए। इसी प्रकार से अगर आप सिक्किम में जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारा का सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, बिहार से और ईस्ट की तरफ का एरिया है सारा। ये सारा का सारा एरिया ऐसा है जहां पे टूरिज्म बहुत है। तो टूरिज्म को प्रमोट करते हुए सरकार ने कहा कि इन सारे एरियाज में हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, तो हवाई जहाज की टिकट के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी, माफ कर देंगे। साथ साथ में मेरे बच्चे, जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब नहीं लगेगा? अगर कोई नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो उसके किराए के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी। कोई नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज है तो अगेन ऑन दैट देयर विल बी नो जीएसटी। अब बात आ गई यहां पे कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है और ये स्टेज कैरेज क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान बात है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभार जरूर देखा होगा, सुना होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। चलो एग्जाम्पल देता हूं स्कूल का, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको स्कूल का। स्कूल के अंदर कभी ना कभार ऐसा जरूर हुआ होगा कि स्कूल वाले आपको किसी पिकनिक में लेके गए होंगे, और जब आपने पिकनिक में जाना है, स्कूल वाले आपको पिकनिक में लेके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बस ऑर्गेनाइज करते हैं, बस अरेंज करते हैं, बस के अंदर सारे स्टूडेंट्स को लेके बिठा के पिकनिक में लेके जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, शाम को वही वाली बस बच्चों को वापस स्कूल ड्रॉप कर देती है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, कई बार आउट स्टेशन पिकनिक्स होती हैं, दो दिन, तीन दिन, चार दिन की पिकनिक्स हैं, वहां पे बच्चों को बसेस में भर के ले जाते हैं, दो चार दिन के बाद उनको ड्रॉप कर देते हैं वापस। तो ये जो बसेस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बसेस हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी के घर पे शादी है, तो बरातियों को घर से जो मैरिज हॉल है वहां तक लेके जाना है, बैंड वालों को घर से मैरिज हॉल तक लेके जाना है, तो उनके लिए एक बस ऑर्गेनाइज की जाती है। ये भी एग्जाम्पल किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का। मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो बसेस हैं, अगर तो ये एयर कंडीशन बसेस हैं, एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर ये एयर कंडीशन नहीं है, नॉन एयर कंडीशन बसेस हैं, तो फिर इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगला कंसेप्ट आता है कि सर ये स्टेज कैरेज क्या होता है? मेरे बेटा, स्टेज कैरेज का मतलब है जहां पे आपसे किराया स्टेज वाइज चार्ज किया जाता है, डिस्टेंस वाइज चार्ज किया जाता है। इंडियन रेलवे कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस के हिसाब से आपसे किराया चार्ज किया जाता है। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं। आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पर यहां पर इमेज है जो दिल्ली की बस सिस्टम है, डीटीसी का बस सिस्टम जो है उसकी टिकट यहां पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप इस टिकट को ध्यान से देखें तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर पाएंगे, कि इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है यूपी एंड डीएन। यूपी स्टैंड्स फॉर अप, डीएन स्टैंड्स फॉर डाउन। मेरे बेटा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है
कि वहां पे कोई भी बस ट्रक होती है तो उसका राउंड ट्रिप होता है, जाना भी है आना भी है, राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो जब राउंड ट्रिप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वही कंसेप्ट यहां पे लगाइए बस का, बस का जाना बस का आना, अप एंड डाउन ऑन द रूट। अब जब टिकट है तो टिकट के ऊपर इन्होंने अप एंड डाउन दोनों लिखे हुए हैं, इससे आपको यह आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बस की डायरेक्शन किस तरफ है, बस की डायरेक्शन किस तरफ है, क्या बस अपनी इनिशियल पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, अप है, या दूसरे पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ रही है, डाउन है। जिस रूट पे बस जा रही है टिकट का जो बस का कंडक्टर है वो टिकट को उस तरफ से यूज करता है। जैसे अगर आप यहां पे देखें तो लिखा हुआ है अप, यहां पे लिखा हुआ है अप, इसका मतलब ये है कि अगर बस अप वाले रास्ते पे है, जाने वाले रास्ते पे है, तो बस का कंडक्टर ये वाली साइड टिकट की यूज करेगा। और अगर बस वापसी के रास्ते पे है, डाउन वाले रास्ते पे है, तो बस का कंडक्टर फिर ये वाली साइड यूज करेगा। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके अगली बात, अब ये कैसे पता चलेगा कि साहब ये 3 रुपए की टिकट है तो ये टिकट किस चीज के लिए है? तो 3 रुपए की टिकट है उसकी कीमत तो यहां पे इन्होंने लिख दी, लेकिन जो बस का ड्राइवर है जो बस का कंडक्टर है अब वो बड़ा समझदार है, उसे पता है कि कितने डिस्टेंस के लिए 3 रुपए की टिकट लगेगी। तो उसने अपना यहां पे अंदाजा लगा रखा है, उसने ये देखा कि एक जो पैसेंजर है वो 18 नंबर बस स्टॉप से चढ़ा, 18 नंबर बस स्टॉप से चढ़ा। अगर आप मैं इसको और इनलार्ज कर दूं तो आप देख पा रहे हैं 17 तक तो ठीक था, लेकिन 18 के बाद उसने इसको यहां पे टिकट को टियर किया हुआ है, फाड़ा हुआ है इतना एरिया। 18 नंबर बस स्टॉप से चढ़ा और वो 20 नंबर के बस स्टॉप पे उतर जाएगा, 20 नंबर के बस स्टॉप पे वो उतर जाएगा। इससे हमें ये बात पता चल रही है कि उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उसका डिस्टेंस छोटा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे वो नहीं जा रहा है। 18 नंबर बस स्टॉप पे आया था, 20 या 21 नंबर बस स्टॉप पे वो उतर जाएगा। तो जो बस का कंडक्टर है वो 18 से लेके 20 या 21 के बीच में टिकट को टियर ऑफ कर देता है, फाड़ देता है, जैसे ये पता चल जाएगा कि इस बस स्टॉप से चढ़ा और इस बस स्टॉप पे वो उतर जाएगा। उसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 3 बस स्टॉप का डिस्टेंस है जिसके लिए किराया उससे 3 रुपए चार्ज हो रहा है। तो ऐसे केस में हर पैसेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहां से चढ़ा कहां पे उतरा, या कहां से चढ़ा कहां पे उतरने वाला है, डिस्टेंस उसका क्या है, और डिस्टेंस के हिसाब से उसके टिकट का पता चल जाता है। तो ये आपको एक कहानी समझ आई, डिस्टेंस के हिसाब से जब आपसे किराया चार्ज किया जाए, मैं रिपीट करता हूं, डिस्टेंस के हिसाब से जब आपसे किराया चार्ज किया जाए तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टेज कैरेज। तो ये आपका स्टेज कैरेज का कंसेप्ट बन जाता है। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर नॉन एयर कंडीशन है, अगर वो नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज है, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो एग्जेम्प्ट, एयर कंडीशन है तो टैक्सेबल। आप सबको पता होना चाहिए दिल्ली में 2 तरह की बसेस चलती हैं, एक लाल रंग की बस है, एक हरे रंग की बस है। लाल रंग की बस जो है वो एयर कंडीशन बस है, उसकी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी, जीएसटी लगेगा। जो हरे रंग की बस है वो नॉन एयर कंडीशन बसेस हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगी जीएसटी में, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। कहानी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा यहां से, मैं कहानी को यहां से भाई और आगे बढ़ाऊंगा और कुछ और नई नई बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेरे बच्चे आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी सरकार चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द कंट्रोल ऑफ बीजेपी। ठीक, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं।
जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद इन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि हमारे बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत सारे छोटे 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 शहर हैं जहां पे शहरों के अंदर एयरपोर्ट तो है लेकिन एयरपोर्ट यूज ही नहीं होता। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये बात पता होनी चाहिए कि दिल्ली के आसपास एयरपोर्ट्स हैं। कौन से एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली के आसपास? दिल्ली से अगर हम लोग साउथ वेस्ट में चले जाएं तो लगभग 200 किलोमीटर पे जयपुर आता है। तो जयपुर एक बड़ा शहर है, वहां पे एयरपोर्ट है, लेकिन दिल्ली के आसपास और भी एयरपोर्ट हैं लेकिन नॉन ऑपरेशनल हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाऊं तो एक शहर आता है हिसार। शहर का नाम है हिसार, हरियाणा में आता है ये। इसका जो डिस्टेंस है ये लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एयरपोर्ट तो है, ऑपरेशनल नहीं है, ना कोई हवाई जहाज आता है ना कोई हवाई जहाज जाता है, ऑपरेशनल नहीं है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं, हैरानगी रहेगी आपको जान के। यहां पे ईस्ट में एक स्टेट आता ना उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल सिटी कटक। आप हैरान रह के जानके पूरे उड़ीसा स्टेट के अंदर सिर्फ एक एयरपोर्ट कटक एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। ऐसे नहीं कि और एयरपोर्ट नहीं है, हैं और एयरपोर्ट है। जैसे एक शहर का नाम सुना होगा संबलपुर, SAM, पता नहीं संबल की स्पेलिंग क्या है, SAMBALPUR, संबलपुर। संबलपुर एक नाम सिटी का नाम है। एक और ऐसे ही सिटी आती है, भुवनेश्वर एक सिटी आती है, भुवनेश्वर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये वो सिटीज हैं जहां पे एयरपोर्ट है, चलता ही नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। क्यों भाई ऑपरेशनल क्यों नहीं है? ऑपरेशनल इस वजह से नहीं है कि वहां पे जो एयरलाइंस कंपनीज हैं वो हवाई जहाज लेके नहीं जाती। क्यों नहीं लेके जाती? वो कि ये कहती है साहब यहां पे हमें सवारी नहीं मिलती, हमें पैसेंजर ही नहीं मिलते। क्योंकि हमें यहां पे सवारी नहीं मिलती, क्योंकि हमें यहां पे पैसेंजर नहीं मिलते, इस वजह से हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है कि हम लोग यहां पे अपनी फ्लाइट चलाए। हम लोग अपनी फ्लाइट नहीं चलाएंगे यहां पे, क्योंकि हमारी जो रनिंग कॉस्ट है, हमारी रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाती। इस वजह से हम फ्लाइट नहीं चलाएंगे यहां पे। पैसेंजर ही नहीं है, यात्री नहीं है, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू हमारा कम है। तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एयरलाइंस कंपनी से बात करी। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है कि एयरपोर्ट तो हमने बना रखा है, कटक में भी है, संबलपुर में भी है, हिसार में भी है, एयरपोर्ट तो बना हुआ है। उस एयरपोर्ट के बनाने की कॉस्ट भी बड़ी हैवी हम लोग ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ स्टाफ तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बिया बाल छोड़ के आगे, कुछ ना कुछ स्टाफ तो वहां पे होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो चौकीदार तो कम से कम होगा वहां पे। तो कॉस्ट तो इनकर हो रही है, फिक्स कॉस्ट भी लग चुकी है, रनिंग कॉस्ट भी हमारी लग रही है। हमें इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना है और एयरलाइंस को कहा कि आप अपने हवाई जहाज की यहां पे रूट बनाने स्टार्ट करो और हवाई जहाज जाएगा यहां पे। एयरलाइंस कंपनी ने कहा नहीं साहब हम लोग नहीं लेके जा पाएंगे, ऑपरेशनल लॉस है। नरेंद्र मोदी ने कहा चलो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना आता है। मान लेते तुम्हारा रेवेन्यू जो आता है वो आता है 100 रुपए, मान लेते हैं ऐसा, और जो तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट लग रहा है 125 रुपए, मान लेते हैं ऐसा। तो जो भी तुम्हारा लॉस हो रहा है 25 रुपए का, इस लॉस की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लॉस की भरपाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लेकिन हर हालत में ये छोटे छोटे शहरों के अंदर जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं इन्हें ऑपरेशनलाइज करना होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और साथ साथ में इकोनॉमी स्ट्रांग होती है।
अब हिसार से लोगों को अगर कहीं जाना हो तो वो ट्रेन पर जाएंगे, या फिर अगर हवाई जहाज से जाना हो तो हिसार से पहले दिल्ली आएंगे, दिल्ली से वो हवाई जहाज पकड़ेंगे। उड़ीसा इतना बड़ा स्टेट और सिर्फ एक एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो, ये कोई बात डाइजेस्ट ही नहीं होती। यूरोप के अंदर कई देश ऐसे हैं जो उड़ीसा से छोटे छोटे हैं, तो अगर यूरोप की बात करें तो उड़ीसा कैन बी अ फुल कंट्री और वहां पे सिर्फ एक एयरपोर्ट। मोदी ने कहा नहीं, आपको तो एयरपोर्ट जो बाकी के बने हुए हैं उन्हें ऑपरेशनलाइज करना ही होगा, चलाओ वहां पे अपनी फ्लाइट चलाओ, जो भी नुकसान होगा वो नुकसान हम पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 25 रुपए एयरलाइंस कंपनी को देगी, एयरलाइंस कंपनी को 25 रुपए देगी, ये जो 25 रुपए एयरलाइंस कंपनी को दिए जा रहे हैं क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो जीएसटी, आप इस अमाउंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। अब ब्यूटीफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जहां पे इन्होंने कोशिश करी कि ये जो डिफंक्ट एयरपोर्ट्स हैं इनको ऑपरेशनलाइज किया जाए। मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ेगा, एंट्री नंबर 16, सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स। व्हाट आर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स? मैंने आपको बताया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स का मतलब छोटे छोटे शहरों में जो डिफंक्ट एयरपोर्ट्स हैं उनको दोबारा से चलाना, दैट वॉज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पे आप सरकार के कहने पे हवाई जहाज चला रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस की भरपाई सरकार कर रही है, उसके ऊपर जो पैसा सरकार आपको दे रही है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दोबारा से पड़ेगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स बाय एयर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग एट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग अप टू 3 years। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है 120 रुपए, आपका रेवेन्यू आता है 100 रुपए, जो 20 रुपए का लॉस है वो गवर्नमेंट तुम्हें देगी वायबल गैप फंडिंग, गैप गैप को फंड कर रहे हैं। और ऐसा लॉस की भरपाई कितने सालों तक सरकार करेगी? मोदी सरकार ने कहा कि हम आपकी लॉस की भरपाई करेंगे 3 सालों तक, 3 सालों तक हम आपके लॉस की भरपाई करते रहेंगे, और इन 3 सालों तक जो भी हम आपके लॉस की भरपाई कर रहे हैं उस अमाउंट के ऊपर हम आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एंट्री नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बस कुछ वर्ड्स याद रख लेना, बात याद हो रहेगी। एग्जेम्पशन दिया गया पैसेंजर सर्विसेज के केस में, एग्जेम्पशन दिया गया रेलवेज को, रेलवेज की टिकट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन शर्त है, शर्त यह है कि वो होना चाहिए सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास या जनरल क्लास। सीधी सीधी सी बात बोल देता हूं भाई, ये होना चाहिए नॉन एयर कंडीशन। तो जो नॉन एयर कंडीशन कोच है, नॉन एयर कंडीशन डब्बा है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब इसी का उल्टा सोचो, इसका उल्टा अगर सोचोगे तो उल्टा यह है कि जनाब अगर रेलवेज में फर्स्ट क्लास का डब्बा है या एयर कंडीशन कोच है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैंने नीचे लिख के दिया हुआ टैक्सेबल सर्विसेज। तो अगर रेलवेज का एयर कंडीशन कोच डब्बा या फिर फर्स्ट क्लास, अच्छा कई बार स्टूडेंट भी कहते हैं सर ये क्या बात हुई, फर्स्ट क्लास में तो एसी होगा ही होगा। आंसर इज नो, नॉट इन ऑल केसेस। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। आपको शायद ये बात पता हो कि इंडिया के अंदर अभी भी टॉय ट्रेन्स, पहाड़ों पे जो ट्रेन्स चलती हैं उन्हें टॉय ट्रेन्स कहते हैं, आज भी टॉय ट्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं। 3 जगह तो मेरे को पता है, एक शिमला, दूसरा दार्जिलिंग और तीसरा ऊटी, 3 तो मेरे को पता है, और भी हो तो मेरे को पता नहीं, 3 मेरे को पता है।
तो ये जो तीनों जगह है, ऊटी, दार्जिलिंग, शिमला हिल स्टेशन है, यहां पर ट्रेन चलती है, आज भी ट्रेन चलती है। एक जगह आती है शिमला से पहले कालका, तो कालका तक तो नॉर्मल ट्रेन जाती है, और उसके बाद जो ब्रॉड गेज ट्रेन होती हैं उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है टॉय ट्रेन में, तो आप शिमला तक जा सकते हैं। अब जो टॉय ट्रेन होती हैं, इन टॉय ट्रेन के अंदर एक भी कोच, एक भी डब्बा एसी का नहीं होता, सारे नॉन एसी हैं। लेकिन उसके अंदर फर्स्ट क्लास का अलग रहता है और नॉर्मल जनरल कैटेगरी अलग रहता है। फर्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी सीट्स अच्छी होती हैं, फैंस थोड़े से लगे होते हैं, फ्लोरिंग थोड़ी सी बेटर होती है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपको अगर पता हो बॉम्बे के अंदर लोकल ट्रेन चलती हैं, और यहां दिल्ली में भी बहुत सारी लोकल ट्रेन हैं, मेट्रो की बात नहीं कर रहा, लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर जो लोकल ट्रेन है उनको हम लोग बोलते हैं EMU, अब मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता इसका। तो ये जो EMU वाली ट्रेन है, या फिर अगर हम लोग बॉम्बे की लोकल ट्रेन की बात करें, तो इनके अंदर नॉर्मल जनरल डब्बे भी हैं, कोचेस भी हैं, और फर्स्ट क्लास वाले भी हैं। अगेन फर्स्ट क्लास के अंदर सिटिंग्स थोड़ी सी बेटर हैं, शीशे जो लगे होंगे थोड़े से बेटर होंगे, साफ सुथरे होंगे, फ्लोर थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन फर्स्ट क्लास कोचेस वहां पे भी हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास कोच है तो GST लगेगा, चाहे AC है या नहीं है, और AC कोच है तो वैसे GST लगेगा। तो कब GST नहीं है? GST तब नहीं है जब आपका नॉन एयर कंडीशन कोच हो, तो चाहे वो सेकंड क्लास का हो, तो चाहे वो स्लीपर क्लास का हो, तो चाहे वो जनरल क्लास का हो, नॉन एसी कोचेस पे देयर इज नो GST। और GST कब नहीं है? मेट्रो के टिकट पे नो GST, मोनोरेल के टिकट पे नो GST, ट्रामवे पे नो GST। कब GST लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक और बात, इनलैंड वाटरवेज पे देयर इज नो GST। अब आप कहेंगे सर ये इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज का मतलब है नदियां, लेक्स, तालाब, इन सब की बात कर रहे हैं। मैं यहां दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में चार पांच जगह हैं जहां पे लेक्स हैं और वहां पे बोटिंग की जाती है। मेरा ऑफिस है शालीमार बाग में, और मेरे ऑफिस से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पे एक एरिया आता है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन के बिल्कुल सेंटर में लेक है, नैनी लेक। नैनी लेक में बोटिंग होती है जिसके लिए पैसा चार्ज किया जाता है, नो GST। इसी प्रकार से दिल्ली में पुराना किला नाम की एक जगह आती है, बिल्कुल उसके साथ में जू है, तो पुराना किला के अंदर एक लेक है, बोटिंग होती है, नो GST। इसी प्रकार से अलग अलग नैनीताल, मेरे को एकदम ध्यान आया, नैनीताल के अंदर भीमताल भी है, नैनीताल भी है, और ऐसे जो सात ताल है वहां पे बोटिंग्स होती है, नो GST। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वाटरवेज। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, वाराणसी से कलकत्ता यमुना जो बहती है, गंगा, गंगा बहती है, तो गंगा में अभी कुछ टाइम पहले, आज से कोई 1.5-2 साल पहले, उस गंगा में, गंगा नदी में बड़े बड़े शिप्स, नॉट ह्यूज शिप्स जो कि एक नॉर्मल समुद्र में चलते हैं, बट अदरवाइज कार्गो शिप्स एंड पैसेंजर शिप्स चलाने की स्कीम स्टार्ट की गई, जहां पे वाराणसी से कलकत्ता, कलकत्ता से वाराणसी आना जाना गंगा नदी में होगा, बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े बोट्स में। तो दैट इज अगेन व्हाट वी कॉल एन इनलैंड वाटरवेज, उसके ऊपर जो भी पैसा चार्ज होगा, नो GST। साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जो टूरिज्म पर्पसेस के लिए चार्ज हो रहा है तो उसके ऊपर GST है, लेकिन जो टूरिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वेसल है, वेसल का मतलब बोट है, तो उसके ऊपर देयर इज नो GST। जैसे एक, अगर मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, अगेन डायग्राम बना के, डायग्राम के साथ ही ये बातें समझ आती है, अदरवाइज समझ नहीं आती। इंडिया का मैप, और आपको पता है इंडिया के ईस्ट अगर हम लोग चले जाएं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक जाने के लिए शिप्स है जो कलकत्ता से भी जाते हैं और जो मद्रास से भी जाते हैं, पांडिचेरी से भी जाते हैं। तो ये जो शिप्स है, अगर तो ये टूरिज्म पर्पसेस के लिए है, जैसे
क्रूज शिप्स हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर क्रूज शिप्स नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी शिप्स हैं, पैसेंजर्स के आने जाने के लिए शिप्स है, नो जीएसटी, एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। क्रूज शिप्स है, टैक्सेबल होगा। अच्छा, एक बात यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं, एक नॉर्मल शिप है, एक नॉर्मल शिप है, पैसेंजर बोट शिप है, पैसेंजर बोट है, लेकिन कुछ लोग टूरिज्म के लिए अंडमान निकोबार जा रहे हैं और इस शिप को यूज कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, मैं चेन्नई से शिप लेता हूं और अंडमान निकोबार जाता हूं, मैं चेन्नई से शिप लेता हूं अंडमान निकोबार जाता हूं, मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं, इस शिप के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये शिप मेनली प्राइमरली टूरिज्म शिप नहीं है। लेकिन अगर शिप प्राइमरली मेनली टूरिज्म शिप है तो फिर जीएसटी लगेगा। उदाहरण के तौर पर गोवा, गोवा के अंदर एक रिवर है, वो वहां पे रिवर के अंदर शिप्स चलते हैं, पैसेंजर शिप्स हैं, शाम को वो 1.5-2 घंटे का एक पूरा चक्कर लगवाते हैं आपको, वो शिप है ही प्राइमरली, वो शिप है ही टूरिज्म पर्पसेस के लिए, जीएसटी लगेगा। बॉम्बे में जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट्स मिलती है, एक बड़ा सा चक्कर समुद्र के अंदर लगवा के आपको वापस ले आती है, मेनली वो टूरिज्म पर्पसेस के लिए है, जीएसटी लगेगा। तो अगर तो शिप प्राइमरली अगर वो शिप टूरिज्म पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है तो जीएसटी होगा, अगर वो प्राइमरली टूरिज्म पर्पसेस के लिए नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा। इसी प्रकार से मेरे बेटा, अगर कोई मीटर्ड कैब्स हैं, ऑटो रिक्शास हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। मीटर्ड कैब्स का मतलब, कलकत्ता की बात करते हैं, पीले रंग की टैक्सी चलती है वहां पर, मीटर वाली टैक्सी। बंबई की बात करते हैं, काली पीली टैक्सी चलती है। दिल्ली की बात करें, काली पीली टैक्सी चलती है। तो ये जो काली पीली टैक्सी है, पीली टैक्सी है, जिसमें मीटर लगा हुआ, मीटर के हिसाब से वो जाते हैं, नो जीएसटी। ऑटो रिक्शास जिसके ऊपर मीटर्स लगे हुए हैं, नो जीएसटी। ई रिक्शास, नो जीएसटी। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई रेडियो टैक्सी है तो फिर रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। रेडियो टैक्सीज आप बेसिकली ओला ऊपर वाली जो टैक्सीज है उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो मीटर कैब्स नहीं है। ठीक है जी, इसके साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखना, एंट्री नंबर 22 और एंट्री नंबर 22A, एंट्री 22, एंट्री नंबर 22A दोनों का कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको दे रहा हूं, आपको बहुत बहुत ध्यान से इस बात को सीखना होगा, सुनिएगा ध्यान से। आप सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन स्कीम अप्लाई की गई थी, और शायद 2 बार या 3 बार ऑड इवन स्कीम अप्लाई हो चुकी है। क्या मतलब है ऑड इवन स्कीम का? ऑड इवन स्कीम का मतलब यह है कि जो तारीख आती है ऑड की, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9, और इवन में आ गया 0, 2, 4, 6, 8, तो ऑड तारीख पे सिर्फ वो कार चलेगी जिसका ऑड नंबर आता है। जैसे मेरी कार है, मेरी कार का नंबर है 6375, तो आखिरी डिजिट क्या आ रहा है? 5। 5 का मतलब ऑड, तो मैं सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 तारीखों के कॉम्बिनेशन वाले पे, ऑड डेज वालों पे मैं अपनी कार चला सकता हूं, इवन वाले पे मैं नहीं चला सकता। तो अगर 2 तारीख को मेरे को अपनी कार चलानी हो तो मैं नहीं चला सकता, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। दैट वॉज अ स्कीम कॉल्ड ऑड इवन स्कीम। अब जब पहली बार ऑड इवन स्कीम इंडिया में, दिल्ली में इंप्लीमेंट हुआ, तो ये 15 दिनों के लिए इंप्लीमेंट हुआ, और हमारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आप पार्टी की सरकार ने क्या किया, इन्होंने सारे स्कूल्स की छुट्टी कर दी, दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सबकी छुट्टी। और इन्होंने सारे स्कूल्स वालों को कहा, कि जनाब आपकी जो बसेस हैं, ये बसेस आप डीटीसी को किराए पे दे दीजिए, लेट आउट कर दीजिए। यू लेट आउट ऑल ऑफ योर बसेस टू डीटीसी एंड देन डीटीसी विल पे यू रेंट फॉर दिस, ना तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या इस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं साहब, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे।
ठीक बात। अच्छा, आपको ये बात समझ आती है कि ये जो बसेस हैं ये सारे के सारे स्कूल ने लेटर किया बसेस, आपको ये बात अच्छे से समझ आती है कि ये जो बसेस हैं ये प्राइमरीली डीजल या सीएनजी बसेस हैं, लेकिन अब टाइम आ रहा है, जमाना बदल रहा है, टाइम आ रहा है, ये बसेस जो हैं ये बसेस होंगी ई बसेस। ई मींस इलेक्ट्रिकल बसेस, जिसमें बैटरी लगी होगी, बैटरी से बस चलेगी। तो अब बात आती है कि साहब, क्या अगर ई बस का रेंट होगा तो क्या ई बस के रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? इन्होंने कहा नहीं साहब, इसके ऊपर भी नहीं चार्ज करेंगे। तो कोई भी बस हो, चाहे आपकी वो डीजल बस है, आपकी वो सीएनजी से चलने वाली बस है, ई बस है, अगर आपने वो बस किराए पे दी है तो फिर किसको किराए पे देना है? स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो फिर उसके किराए के ऊपर आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया। मेरे बच्चे ध्यान से पढ़िए एंट्री नंबर 22, एंट्री नंबर 22A, बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा है। हायरिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, हायरिंग का मतलब किराए पे दे देना, किराए पे ले लेना, किराए पे दे देना, हायरिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल किराए पे ले लेना टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे हमारे केस में DTC, विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। मेरे बच्चे आप लोग बताओ, क्या किसी कार के अंदर 12 से ज्यादा पैसेंजर आते हैं? नहीं भाई, कार के अंदर 12 से ज्यादा पैसेंजर नहीं आते। किस में आते हैं? बस में आते हैं। तो यहां पे मोर देन 12 पैसेंजर की बात हो रही है, इसका मतलब बस की बात हो रही है यहां पे। इसी प्रकार से हायरिंग टू अ लोकल अथॉरिटी एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, अगेन हम लोग यहां पे ई बसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पे ई बसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ई बसेस अगर आपने किराए पे दे दी है तो भी एग्जेम्प्ट है, नॉर्मल बस अगर आपने किराए पे दी है तो भी वो एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 22 एंड एंट्री नंबर 22A, यहां पे दो एंट्रीज को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। क्या क्या टैक्सेबल है जल्दी जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टैक्सेबल होने वाला है। टैक्सेबल सर्विसेज कौन कौन से टैक्सेबल है, बी केयरफुल। रोप वे टैक्सेबल है, केबल कार, एरियल ट्रामवे, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, वो जो ट्रॉलीस होती हैं, बेसिकली इनको हम लोग ट्रॉली बोलते हैं, तो ट्रॉली सिस्टम जो है ये टैक्सेबल है। नॉर्थ इंडिया में जम्मू के अंदर एक मंदिर आता है, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पूरी तब मानी जाती है जब आप भैरव मंदिर भी होके आए, और वैष्णो देवी मंदिर के काफी ऊपर भैरव मंदिर है। पहले के टाइम पे पैदल जाना पड़ता था, फिर घोड़े भी आगे वहां पे, फिर घोड़ों से जा सकते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर पिछले 3-4 सालों के अंदर वहां पे ट्रॉली सिस्टम कर दिया गया है। आप माता वैष्णो देवी टेम्पल से भैरव मंदिर के लिए ट्रॉली ले सकते हैं, ट्रॉली से जा सकते हैं। सो जो ट्रॉली की सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल हैं, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसी प्रकार से नैना देवी जो मंदिर है अगेन हिमाचल में, वहां पे भी ट्रॉली सिस्टम है, वो भी ट्रॉली टैक्सेबल है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हो, एयर कंडीशन कोच में ट्रेवल कर रहे हो, टैक्सेबल है, नो एग्जम्पशन। एयर कंडीशन स्टेज कैरेज है तो टैक्सेबल, एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो टैक्सेबल। इसी प्रकार से जो आपके प्राइमरली कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो है, जो प्राइमरली टूरिज्म पर्पसेस के लिए, वो टैक्सेबल है। अगर वो रेडियो टैक्सी है तो टैक्सेबल है, एयर कंडीशन व्हीकल्स हैं तो वो आपके टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है, हालांकि तीन एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप तीनों करेंगे तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं तीनों। एग्जाम्पल नंबर 22 कर रहे हैं, ये तीन एग्जाम्पल्स करने के बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। तीन एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 22B केफल। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज दैट इज लेक्स वगैरह हो गया, एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टेज कैरेज विच इज नॉन एसी, स्टेज कैरेज है, नॉन एसी है, एग्जेम्प्ट रहेगा, जीएसटी नहीं लगेगा।
सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, टूरिज्म पर्पसेस के लिए है, जीएसटी लगेगा, बच ही नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन अ वेसल एंड सच सर्विसेज इज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पसेस। क्योंकि ये टूरिज्म पर्पसेस के लिए नहीं है, इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या ये वेसल है? वेसल मींस शिप, वेसल का मतलब होता है शिप, शिप्स एंड बोट्स। तो आपका इस केस में सिर्फ एक टैक्सेबल है 120 वाला, बाकी सब कुछ एग्जेम्प्ट है। 23, आपको 23 के बारे में बता देता हूं। ये जो 23 है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जब पुराने जमाने में सर्विस टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट था तो सर्विस टैक्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 23, मिस्टर जे बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस फुली एयर कंडीशन ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी है फ्रॉम कानपुर एंड दिस एम्बार्क एट न्यू दिल्ली। कानपुर से पकड़ा और नई दिल्ली तक आ गया, किस पे आया? राजधानी ट्रेन पे आया। He had a car from a local cab operator for the whole day on the lump sum consideration. याद रखिएगा, local cab, local cab है, इसका मतलब काली पीली टैक्सी नहीं है, मीटर वाली टैक्सी नहीं है, आम आम जो टैक्सी मिलती है वो है। पूरे दिन के लिए आपने टैक्सी किराए पर ले ली उसकी बात कर रहे हैं। काली पीली टैक्सी होगी तो एग्जेम्प्ट है, ये वाली टैक्सी जो है इसकी सर्विसेज टैक्सेबल है। तो राजधानी जो कि फुली एयर कंडीशन ट्रेन है ये टैक्सेबल है, और लोकल कैब में जा रहा है तो लोकल कैब भी टैक्सेबल है। हाँ, मीटर्ड कैब होता, काली पीली टैक्सी होती है, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। आगे की बात पढ़िएगा। ही हैड अ कार फ्रॉम अ लोकल कैब ऑपरेटर फॉर होल डे ऑन द लमसम कंसिडरेशन एंड ही विजिटेड दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इन द नाइट ही टुक मेट्रो, मेट्रो पकड़ा टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लो जी, मेट्रो है तो मेट्रो एग्जेप्ट रहेगा, मेट्रो इज नॉट टैक्सेबल। टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड अ फ्लाइट टू मुंबई। फ्लाइट, हवाई जहाज पकड़ा है, ये भी टैक्सेबल है, इसमें भी कोई छूट नहीं है, कोई एग्जेम्प्शन नहीं है। एट मुंबई एयरपोर्ट ही यूज्ड अ रेडियो टैक्सी। लो जी, रेडियो टैक्सी है तो ये भी टैक्सेबल है। फॉर गोइंग टू हिज होटल, मिस्टर जे रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम अ डिफरेंट ट्रेन कॉल्ड पुष्पक एक्सप्रेस इन अ स्लीपर क्लास। हाँ जी, पुष्पक एक्सप्रेस इन अ स्लीपर क्लास, क्योंकि ये स्लीपर क्लास लिखा हुआ है, इस वजह से एग्जेम्प्ट होगा। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, एग्जामिन द लिवेबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑन द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रेवल विच हैज बीन अंडरटेकन बाय मिस्टर जे। मैंने साथ साथ में आपके साथ डिस्कस कर दिया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना, छोड़ना नहीं आपने इसका। और देन आज का एक आखिरी एग्जाम्पल कर रहे हैं, बाकी की चीजें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी की चीज नेक्स्ट क्लास में होगा। एग्जाम्पल नंबर 24, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या कहता है एग्जाम्पल 24 में, वो नेचर ऑफ एक्टिविटी बता रहा है आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय बस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर द फेयर इज चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। बस में डिस्टेंस के हिसाब से किराया चार्ज हो रहा है, इससे बोलते हैं स्टेज कैरेज, और ये एग्जेम्प्ट रहेगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन इंडियन रेलवे इन अ सेकंड क्लास और अनरिजर्व क्लास, ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा, नो जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर बाय शिप। याद रखिएगा, अगर तो ये टूरिज्म है तो टैक्सेबल है, टूरिज्म नहीं है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई टू विशाखापट्टनम ऑन अ बोट एंड सम टूरिस्ट ऑल्सो ट्रेवल इन द बोट। कोई बात नहीं, टूरिस्ट है, जा रहा है, जाने दो। मेनली ये बोट मेनली टूरिज्म के लिए तो नहीं है, इस वजह से एग्जेम्प्ट रहेगा, नॉट टू बी टैक्स्ड। हायरिंग द मोटर व्हीकल टू अनदर कंपनी फॉर द यूज ऑफ द एम्प्लॉय। कैब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टैक्सीज जिसको हम लोग बोलते हैं, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अलॉन्ग विद देयर लगेज इन अ पॉइंट टू पॉइंट बस द बस टिकट इज 1000 रुपीज प्लस लगेज चार्जेस आर 200 रुपीज पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था
घर से बारात घर तक, बारात के हॉल तक, मैरिज हॉल तक बरातियों को लेके जाना है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस हो गया, एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अगर एयर कंडीशन होता तो टैक्सेबल, अगर एयर कंडीशन नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट। देन वी हैव एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम गुवाहाटी टू चेन्नई, गुवाहाटी कम्स इन असम, गुवाहाटी कम्स इन असम, इट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ असम, इस वजह से देर विल बी नो जीएसटी।